दोस्तों, अगर आपके पास प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक का डेबिट कार्ड है और आप उसका पिन भूल गए हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आपको डेबिट कार्ड का पिन दोबारा से जनरेट करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। सो फ्रेंड, मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं स्टॉक इन्फॉर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको अपने मोबाइल के डायलर में ये नंबर ऐड कर लेना है 9264092640। इस पर आपको एक एसएमएस करना होता है। सबसे पहले आप एसएमएस में जाएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे डीसी पिन। डीसी पिन जैसे आप यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल लेटर में आपको लिखना है डीसी पिन। जैसे कि हम यहाँ पर डीसी पिन लिखते हैं डीसी पिन, और इसके बाद डीसी पिन लिखने के बाद आपको यहाँ पर स्पेस देना है, और स्पेस देने के बाद जो भी आपके डेबिट कार्ड का नंबर है उसको आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। हमने अपना डेबिट कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर कर दिया है। इसके बाद इस मैसेज को इस नंबर पर हम सेंड कर देते हैं। सेंड करने के बाद कुछ ही टाइम के बाद हमें यहाँ पर एक एसएमएस प्राप्त होगा हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर पर, और इस मैसेज को आपको आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर से ही सेंड करना है, ना कि अदर्स मोबाइल नंबर से आपको इसको सेंड करना है। यहाँ पर हमारे पास एसएमएस आ चुका है और इस एसएमएस में हमें एक ओटीपी दिया जाता है। उस ओटीपी को आपको एटीएम में फिल करना होता है। इसके बाद आपको पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम पर चले जाना है। जैसे कि आपको पता होगा कि पंजाब नेशनल बैंक और प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक आपस में मर्ज हो चुके हैं। दोनों की सर्विस आपको एक ही जगह पर एक ही एटीएम पर मिलने वाली है। तो आपको एटीएम पर चले जाना है और कार्ड डेटा में आपको अपने कार्ड को एंटर कर देना है। इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको एटीएम पर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट चेंज पिन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है या फिर इसके साइड वाले बटन को आपको प्रेस करना है। अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, ओटीपी जनरेशन और ओटीपी वैलिडेशन। आपको सेकंड वाले ऑप्शन ओटीपी वैलिडेशन के सामने वाले बटन को प्रेस करना है या फिर इसको आपको टच करना है। अब जो 6 डिजिट ओटीपी आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा गया है, उस 6 डिजिट ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है और यस के सामने वाले बटन को आपको प्रेस करना है। अब यहाँ पर आपको अपना 4 डिजिट एटीएम पिन बनाना होता है, जो भी आप रखना चाहते हैं उस पिन को आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अब आपको यहाँ पर उसी पिन को दोबारा से री एंटर कर देना है कंफर्म करने के लिए। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं योर ट्रांजैक्शन इज अंडर प्रोसेस, थोड़ा यहाँ पर आपको वेट करना है। तो अब आप इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर देख सकते हैं, पिन चेंज सक्सेसफुली। तो इसी तरह से आप अपने पीएनबी एटीएम कार्ड का पिन जनरेट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेलेक्ट कर लें, जिससे कि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।